विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निस्त्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव तस्मै श्रीगुरु नमेदं श्रीदक्षिणा संभोगे विप्रलम्बे निरुभयमभयं भाति भूपो रसानां विक्षेपे वा समाधो विदरण निपुणा ब्रह्मविद्यैव इत्थं लोकैरशोकैरनुपदमधिकं भाव्यमानो वधूता श्रीपूर्णानन्दतीर्थ पथि पथि पथिकान् नन्दयन् वं ब्रवीति ओ परमात्मा को जो कहते हैं कई बार ध्यान में करते करते ये कैसे होता है। एक तो लौकिक व्यय है, लौकिक व्यय से सिर्फ धन का नाश होता है, व्यय जैसे शरीर की शक्ति का व्यय होता है, जैसे अपने जीवन में जो गुण है उनका विकास विकास कोई पहले बहुत क्रोधी होता है, पीछे क्षमाशील हो जाता है, पहले खूब क्षमाशील होता है, गुण के प्याय से प्याय उनके व्यय से व्यय और उसका व्यय से व्यय ये परमात्मा का व्यय किसी प्रकार का है। अब व्यय के बारे में बता, कोई वस्तु ऐसी होती है जिसका कारण के नाम मिट्टी नहीं रहेगी तो गड़ा ना होगा। कई वस्तु ऐसी होती है जो आश्रय के नाम से वस्तु है, कई वस्तु ऐसी होती है जो अंगी के नाम से उसका नाश हो जाता है, कई वस्तु होती है जो नैयाय को भी माना है अंग के नाश से ही अंगी का नाश हो जाता है, जैसे किसी गाय के सींग टूट गए हंसी उड़ा दी वो लोग गाय नहीं अरे भाई गाय तो है वो देखते नहीं उस श्रृंग विशिष्ट जो गाय थी उस सींग वाली जो गाय थी वो अवयव के नाम से अवयवी का नाम की न्याय कर ये जो परमात्मा है इसका कोई कारण हो रहे जिसका नाश हो सर्व कारण कारण और काल के नाश से हो तो नत्स्य कार्यम छोटी कहते हो नत्स्य कार्यम कर काल के नाश से जो उसका नाश नहीं होगा, करण के नाश से भी नाश नहीं होगा, आश्रय तो उसका कोई है ही नहीं और करण आदि परिशुद्ध भी किया, स्वरूप के नाश से नाश हो जाए तो स्वरूप को अपना आत्मा है नाश होते हैं। ये केवल शब्द के स्थान पर शब्द कर देने से अनुवाद नहीं होता, जब आप अपने शब्द पढ़ो तब इस पर विचार करो कि व्यय कितने प्रकार का होता है और वो व्यय
परमात्मा था क्योंकि ये के जितने हेतु हैं वो परमात्मा में है ही नहीं। वेदांत के शब्द पढ़ के इसे मान नहीं दिए जा सकते, वो तो श्रवण के बाद उनका मनन किया जाता है, उन्हें उसका उपादन किया जाता है। किस युक्ति से अव्ययर की स्थिति होती है, जब युक्ति अनुकूल युक्ति के द्वारा शुद्ध पदार्थ की शुद्धि करोगे और स्वतंत्र युक्ति भी स्वतंत्र से ये नहीं कि पड़ी हुई युक्ति को दोहरा दिया, उसका नाम मनन नहीं होगा। मनन तब होगा दूसरे का मनन तुम्हारे काम में आ रहा है, दूसरे का श्रवण भी तुम्हारे काम में आ रहा है, दूसरे का विश्वासन भी तुम्हारे काम में आ रहा है। जब तुम्हारे अंतकरण में श्रवण मनन निधिस्थापन होता तो श्रवण अंतकरण में होता है, काम से नहीं होता है। श्रवण माने षडलिंग के द्वारा वेदों की परम तात्पर्य का निश्चय, तो निश्चय तो अंतकरण में होगा, तो श्रवण भी अंतकरण में है। ये नहीं शब्द का करण सक्षुरी संयोग का नाम श्रवण नहीं, श्रवण माने षडलिंग के द्वारा वेद के तात्पर्य का निर्णय। वेदांतानाम अशेषाणाम आदि मध्यावसानत ब्रह्मात्मन तात्पर्य श्रवण पड़े, ये हमारा पारिभाषिक शब्द है श्रवण। इसी से दूसरे संप्रदाय वाले जब सुनते हैं ना कि श्रवण मात्र से तत्व ज्ञान होता है तो वो आश्चर्य करते हैं, खंडन करते हैं, श्रवण के तत्व ज्ञान कहते हैं। अरे भाई श्रवण का हमारे अर्थ है उपक्रम और उपसंहार की एकता, उपक्रमों के संहार अभ्यास बारंबार दोहराना, अपूर्वता अन्य ग्रंथों की अपेक्षा अपूर्वता, फलम और अर्थवाद और उपपत्ति तात्पर्य निर्णय में लिंग है। लिंगम माने गमकम, लिंगम चिन्हे माने शांत को सब प्रकार की शिवमूर्ति विशेष की मैंने की हाँ यदि अद्वैत बोध प्राप्त करना हो तो वैसे कर लो, निश्चय उसमें कोई बात नहीं। भाषा का आग्रह मत रखो। शंकराचार्य ने लिखा है किसकी सूत्र आदि है भाषा का पुराण इतिहास श्रव आदि मान करके वो जो श्रोतव्य है स्वाध्याय धेतव्य जो है वो और दृष्टव्य जो है ये दृष्टव्य जो है ये विधि नहीं है, और श्रोतव्य जो है वो जैसे अर्थ का ज्ञान हो जाए, ये पराविद्या जो है वो शब्द रूप नहीं है। ऋग्वेद यजुर्वेद आदि सर्वनाधि मानते हैं, अरे बाबा सिद्धांत देश में लिखाई है तो क्या हो गया, वो कौन सा सुखी वचन है, सिद्धांत देश को सुखी वचन थोड़े ही है।
अप्रचलित रचना है और दीर्घ है 12 बच्चों के पास जैसे वैसे उनका बदल होने से पूरी हो साठ देर बाद शंकर भाष्य का दूसरे लोगों ने अभी विवरण का मैंने प्राय बताया राम की कार में विचार और पचासों की का शंकर भाष्य उनका अभिप्राय भी जानने पड़ता है। ये जो स्थिति है और नियम है और संख्या है ये केवल संस्कृत में ही नहीं बोली जाती। संध्या वंदन करना आवश्यक है। विधि अत्यंत अप्राप्त आहरा संध्या प्राप्त ये विधि है। नियम पाक्षिक सति उदिते ज्योति अनुदित जो होती इसमें अनुदित जो होती नाना साधन साक्षी क्रिया या कोई साधन प्राप्त हो अप्राप्त से अपन साधन वो विधि जी विधि इसमें भेद कहा आया तो किसी भी भाषा में ऐसी विधि हो सकती है विधि का लक्षण है तो विधि का लक्षण है अच्छा और तत्र चान्यत्र तब प्राप्त हो पंच पंच रखा भक्ष्या ये पंची को पंच रखा भक्ष्या न तो पंचाश रखा इसको पंच रखा तो विधि नियम विधि रल पंच भक्षा तो नियम तत्र चान्यत्र तब प्राप्त हो करना अच्छा आओ क्या नाम है किसी भी वेदांत के शब्द का यदि विचार करना हो श्रवण हो गए तो श्रवण के बाद श्रवण भी एक तो अंतकरण में ही होता है क्योंकि तात्पर्यार्थ का जो निश्चय है वो अंतकरण में होता है वो केवल शब्द के द्वारा नहीं है। वेदांत में श्रवण शब्द पारिभाषिक परिभाषा क्या है तो वेदांता नाम शेषाण आदि मध्यावस्थानिक ब्रह्मात्मन देव तात्पर्य श्रवण पवे उस बुद्धि को श्रवण कहते हैं जिससे ये निश्चय होता है कि सारे के सारे वेदांत आदि में मध्य में अंत में जहाँ कहीं उनका परम तात्पर्य ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान में है। तो ये जो एकता के ज्ञान में तात्पर्य है तो निश्चय कर लेना ये श्रवण है और फिर श्रुतार्थ का और संशय की निवृत्ति के लिए जो उपादन है मनन है अनुकूल चिंतन है मनन में अनुकूल चिंतन है प्रतिकूल तर्क वितर्क तर्क उसमें नहीं है अनुकूल चिंतन अनुकूल चिंतन माने उसके समर्थन के लिए चिंतन खंडन के लिए चिंतन अच्छा वो चिंतन जो है वो नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा का काम है नए नए ढंग से उसका उत्पादन करना किसी भी प्रक्रिया से करो पर फिर तर्क बड़ी होना चाहिए ब्रह्म और आत्मा की अनुकूलता और श्रुत मत अर्थ में जो चित्त वृत्ति का स्थापक है उसको विधि ध्यान करते हैं जो आपने निश्चय किया कि वेदांत का तात्पर्य है और मनन करके जो उसका उत्पादन किया उसमें वृत्ति को बार 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 फिर करने का नाम विधि ध्यान है। ये सन प्रत्यय का अर्थ ही ऐसा होता है उसके उसको ध्यानारूप करने की इच्छा में संप्रत्यय हो जा रहा है तब निधिध्यासा निधिध्यासन जिज्ञासा विभाषा निधिक्षा जिज्ञासा
या तो मिथ्या दी दिया था। हाँ सीताराम, अब तो अपने शब्द को जब आप सुनते हैं तो आप कान मोड़ के कह लेते हैं परमात्मा को अपने, इससे तुम्हारे अंतकरण का निर्माण नहीं होगा। जो बारंबार बारंबार जो चिंतन है उससे अंतकरण में परिवर्तन होता है, तो वो जो है बारंबार विपरीत प्रत्यय का तिरस्कार करके और सजातीय प्रत्यय का जो आवर्तन है उसके संस्कार की गाढ़ता को निधिध्यासन संपन्न होता है। इसलिए आजकल जो क्लास में जो वेदांत चलता है उसमें चिंतन की प्रणाली बिल्कुल, तो आओ अब अव्यय परमात्मा अव्यय कैसे अव्यय है, इसका कोई आश्रय तो है नहीं कि उसके नाश होने नाश हो जाए। स्वयं अयुग प्रतिष्ठित अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है और इसका कोई कारण नहीं है। तो कारण सर्व कारणाधिपा, वो तो संपूर्ण कारणों का प्रकाशक है, इसका कोई कार्य नहीं है, न तस्य कार्यम, कार्य भी नहीं है, करण भी नहीं है और इससे कोई बलवान भी नहीं है कि इसका कोई नाश कर सके। स्वरूप में भी इसका अपचय नहीं है, साक्षी है एक रस, तो गुणापचय भी नहीं है और ये धनादि के समान भी नहीं है कि व्यय हो सके, इसलिए तत् अव्ययम, ये परमात्मा अव्यय है। इसको बैठ करके एकांत में चिंतन करना चाहिए, ये ब्रह्माकार वृत्ति जो है अविद्या को निवृत्त करने में समर्थ होती है। तो ये ब्रह्माकार वृत्ति भी तीन प्रकार की होती है, एक निधिध्यासनात्मिका विपर्यय को निवृत्त करने वाली, जो उल्टी बुद्धि बन गई है कि मैं देह में कल्पित जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि है वो हूँ, मैं देह हूँ ऐसा तो किसी को भान होता है, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ ऐसा प्रत्यय होता है, और ये मैं मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, सन्यासी हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये देह है, देह में कल्पित है। ऐसे मैं आंख वाला हूँ, नाक वाला हूँ, कान वाला हूँ, सभी मूलक कल्पना है, पर मैं मनस्वी हूँ, ये मूडी दो तो ये भी कल्पित है, मन का अपने साथ कोई संबंध नहीं, झूठ मूठ का माना हुआ संबंध। तो जैसे बादरायण संबंध होता है ऐसा संबंध, बादरायण का अर्थ यह है कि एक सज्जन को खाने में बेल बहुत प्यारी लगती, ये बदल बदरी पर बहुत प्यारी थी। तो एक अनजाने शहर में वो गए और एक के घर में देखा और एक दलिया बेल रखा हुआ था, तो पहुंचे और उसके मालिक ने पूछा कि भाई आप कैसे हमारे घर में आए, क्या प्रयोजन है, क्या संबंध है। वो बोले हमारा आपका बादरायण संबंध है, बादरायण संबंध है, हमारे देर हमको बहुत प्यारे हैं और आपके घर में देर रखा हुआ है, इसलिए आपका और हमारा संबंध हो गया। तो ये मनी राम जो है ये तो घूमते रहते हैं घर घर, भिखारी है, वहाँ गए संगीत सुनने के लिए, तो वहाँ गए मतलब की गर्मी पर सोने के लिए, तो वहाँ गए खाने पीने के लिए, तो वहाँ गए सुनने के लिए,
तो वहां गए हारने के लिए, तो ये तो विषयों के भिखारी हैं और विषयों के संस्कार से बने हुए हैं। कोई भी गौरवशाली आदमी हो तो अगर बेटा भी अपना ऐसा काम करता हो तो कह देगा कि ये हमारा बेटा नहीं। इस मन जैसे भिखारी को अपना बेटा बना करके रखना, ये मेरा है, ये अपने स्वरूप के अनुरूप नहीं है। सर्वथा ये मन न तुम न तुम्हारा। तो ये एक विपर्य, सबसे बड़ा विपर्य तो ये है कि मैं जीव हूं। कहीं जीवत्व नाम की कोई चीज नहीं है, न कश्चित जायते जीवन संभवोस्य न विद्यते एक तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचिन न जायते। बाबा श्लोक होते मांडव्य कारिका का श्लोक। तो न कश्चित जायते जीवन, जीव नाम की कोई चीज कभी पैदा हुई ही संभवोस्य न विद्यते, इसकी संभावना भी नहीं है, इसकी उत्पत्ति ही नहीं है। एतत् तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचिन न जायते, सर्वोत्तम सत्य वो है जो आ जाए। ये जायमान जो है ये सत्य नहीं है, तो ये पादरी सत्य है या मौलवी सत्य है या पुरोहित सत्य है। ये जो जीव की जो उत्पत्ति है, ये जो मुसलमान ईसाई को जीव को उत्पन्न मानते हैं, साधु मानते हैं, और चारदाग जो है वो साधि और शांत मानते हैं। पैदा भी हो जाता है पंचभूतों में और पंचभूतों के नाश से नष्ट भी हो जाता है। तो चारदाग मत में तो जीव सादी और शांत है, और जैन और बौद्ध मत में, जैन मत में तो अनादि अनंत है सर्वथा, और बौद्ध मत में जब शून्यता का बोध हो जाता है तब जीवत्व का उच्छेद हो जाता है। अनंत सदा खुदा ने जीव को बनाया, हाँ तो शादी हो गया, और बनाने के बाद जो काफिर है उसको हमेशा के लिए दोजख में रख दिया, और जो स्वभाव वाला है पुण्यात्मा है, हमारे जो मोहम्मद की शरण में आ गया कुरान शरीफ को मानता है उसको हमेशा के लिए विश्व में भेज दिया, तो वो शादी और अनंत मानते हैं, और चारवाक शादी और शांत मानते हैं, और जैन लोग अनादि और अनंत मानते हैं, और वैष्णव लोग भी वैष्णव सौर शाख के लिए अनादि और अनंत ही जीव को मानते हैं। जीवत्व का भंग कभी नहीं होता, जीव जीव ही रहे। ये वेदांति लोग जो है ये ब्रह्म दृष्टि से जीव नाम की कोई चीज है ही है, केवल कल्पना प्रसूत है कि मैं जीव हूँ, ये कल्पना बन गई है कि मैं जीव हूँ। तो ये पर तत्समम सत्य जब किंचित न जाए थे, ये बिल्कुल अविनाशी है और अनादि है, अजन्मा है, अज है। तो अज भी कहते हैं जन्म का निषेध करने के लिए, अविनाशी भी कहते हैं विनाश का निषेध करने के लिए। वस्तुतः परमात्मा के लिए अज और अविनाशी शब्द का भी प्रयोग नहीं होता है। अज कल्पित समृद्धिया परमार्थ नाम कहेगा। ये जो जीवत्व है, तो जब जीवत्व ही नहीं है तो व्यय का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। ऐसा यदूत जोनि परिपश्य गिरा, ये जोनि
यहाँ भूत जोनि शब्द का अर्थ है जोनि शब्द का उपाय मम ज्योतिर्महम ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहम् तद्वत् सर्वभूतानां सको भवति भारत। तो योनि शब्द का अर्थ होता है उपादान। तो वहां तो प्रकृति को उपादान बताया है जो मैंने बोला और भगवान ने अपने को पिता बताया है, पर वो तो एक आरोप मात्र है। वस्तुतः परमात्मा जो है ये सबका उपादान है। तो माया उपादान है और ईश्वर मनुष्य है, ऐसी कल्पना कर सकते हैं। और कोई कहते हैं कि नहीं, उपादान परमात्मा है, माया निरंतर है, माया परमात्मा में ये सृष्टि दिखाती है, इसलिए माया अथवा अविद्या के निमित्त से परमात्मा ही सृष्टि के रूप में दिख रहा है। अद्भुत है। तो निमित्त है माया और उपादान है परमात्मा। तो उसी की सत्ता, उसी की चित्ता, उसी का आनंद विश्व सृष्टि में दिखाई पड़ता है। घट स्तन पट स्तन में घटपट का भेद होने पर भी सब स्वरूप जो ब्रह्म है अविनाशी वो एक ही है। और कोई कहते नैयायी गाली कहते हैं कि परमात्मा निमित्त कारण है और वो जो समवायी कारण है और उसके द्वारा सृष्टि करता है। समवायी कारण को उपादान है, तो माया उपादान है और परमात्मा जो ब्रह्म जो चेतन वो निमित्त है। वेदांतियों का इस संबंध में ये कहना है कि वस्तुतः तथ्य की और वो अपने वो वैष्णव लोगों को भी ये बात रामानुज की बात मतलब तीनों ये मानते हैं कि परमेश्वर अपने निमित्त को बाधा कारक है। माने माटी भी वही है, कुम्हार भी वही, इसलिए जो घड़ा बना वो घड़ा भी वही है। ये कुम्हार निमित्त कारण है, माटी उपादान कारण है और निमित्त कारण ने उपादान कारण से घटभूत कारण को बनाया। अब मिट्टी को घड़े के साथ साथ जाएगी, कुम्हार घड़े के साथ साथ नहीं जाएगा, इसलिए उपादान कारण जो है वो विकारी होता है और निमित्त कारण निर्विकार होता है। वेदांतियों का कहना है एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है। एक ऐसी चीज है जिसको जान लेने पर सब जान लिया जाता है। तदनंतर को आरंभ सबका विद्या परमात्मा से अन्य ये सृष्टि नहीं है क्योंकि वातावरण विकारो नाम नियम वृद्धि के देव सत्यम। तो परमात्मा के सिवाय की दूसरी सृष्टि कुछ नहीं है। तदनन्यत्व आरम्भण शब्दा विद्या वातावरण विकारो नाम नियम वृद्धि के देव सत्यम। इसलिए परमात्मा ही सत्य है, दूसरा कुछ सत्य नहीं है। एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान। मानसी से मिट्टी जो है सोने का रिश्ता अपने यहाँ। अब प्रकृति वेदांतों के मत में ब्रह्म स्वरूप प्रकृति प्रतिज्ञा दृष्टान था जो करो लाभ प्रतिज्ञा और दृष्टान का अनुरोध न हो, इसलिए प्रकृति शब्द ही ब्रह्म का ही मान सकते हैं। तो वही उपादान है और वही निमित्त कारण है। तो इससे अद्वैत स्मृति होगी, एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान होगा। मांडव के उपनिषद में इस जूनी सर्व से प्रभवाप्तियोगिकाराम यही सबकी जूनी है। जूनी मानव उपादान सब इसी में से निकलते हैं और इसी में जीवन करते हैं।
शब्दे ये सत मालूम पड़ता है, आत्मरूप से सत मालूम पड़ता है। भूत जोनी, अब भूत जोनी कहीं परोक्ष है इस बात का खंडन करता है, पश्यंती के साथ परि उपसर्ग लगाकर परितः पश्यंती इति परि पश्यंती, सदा पश्यंती है वेद मंत्र में और परिपश्यंती है तद विष्णु परम पदम सदा पश्यंती सूर्यया दिवीव चक्षुरातताम दिवीव चक्षुरातताम। अब क्या बताते हैं, ये परमात्मा ही परिपूर्ण है, परिपश्यंती परितः पश्यंती। अच्छा जी परिपश्यंती है तो कौन देखते हैं, सब लोग कौन नहीं देखते, गाँव के जो है लुगाया बताया मटियारा ये सब क्यों नहीं देखते, बोले थे परिपश्यंती धीरा जो धीर है वे देखते हैं। माने होता है देखो गीता में मात्रा स्पर्शास्त्र कौन के लिए शीतोष्ण सुख दुख रा आगमा पायनो नित्यास्व भारत यम ही न्यतयंते पुरुषम पुरुषार्थ सम दुख सुखम यम सोमृतत्व कल्पते। अमृतत्व का अधिकारी कौन होता है, अमृतत्व का अधिकारी धीर पुरुष धीर कौन है, ये जो संसार के विषय है मात्रा स्पर्श इंद्रियों से जिनका अनुभव होता है मियत से आदि यदि मात्रा इंद्रिया तेषां स्पर्शा विषया, ये जो इंद्रियों के स्पर्श है जो कभी गाली सुनने को मिलती है कभी ताली सुनने को मिलती है आदमी क्या बोलता है क्या चर्चा करता है, एकांत में भी अपना मन क्या बोलता है या लोगों के बीच में क्या बोलता है, स्वप्न पुरुषों की चर्चा करना स्वप्न में देखी हुई औरतों की चर्चा स्वप्न में देखे हुए मर्दों की चर्चा स्वप्न में देखे हुए दुश्मनों की चर्चा स्वप्न में देखे हुए क्या चर्चा, जो एक क्षण पीछे छूट गया वो स्वप्न की अपेक्षा उसके क्या विशेष है, ये जो अपना शरीर है स्वप्न देख की इच्छा इसमें क्या विशेष है। तो जो लोग निरंतर सपने देखते रहते हैं या तो भूत का या तो भविष्य का, आपको सुनाया होगा इसमें मैंने अभी सपना देखा प्रवचन कर सब देश में और प्रभुनाथ थे गोविंदा और विशाला का सब क्रम तक चल रहे और मैं खड़ा खड़ा देख रहा तो सबकी छाती पर एक साई को ख्याल में पट देख लगा अपना अपना नाम जिसे लिखा था तो लिखा हुआ था तो सब पर एक ही नाम लिखा था मृग कृष्णा, सब पर एक नाम था मृग कृष्णा, ये हमको सुखी करेंगे या ये हमको दुखी देंगे, एक मात्र सपना देखा है आप लोग व्यवहार मत समझते तो सत्यदान कहेंगे कि हमको मृत कृष्णा समझते तो सपने में जो सत्यदान वो मृत कृष्णा, कहां मनुष्य की दृष्टि कहां होती है यही उसकी स्थिति का आदमी जब बोलता है तो वो समझता है कि मैं कुछ बढ़िया बात बोल रहा हूँ या दुख वो अपने भीतर जो उसकी स्थिति है उसका वो वमन करना कहाँ बैठ के बोल रहा दुश्मन के घर में है कि दोस्त के घर में है कि चोर के घर में है कि व्यभिचारी के घर में है, जहाँ वो बैठा रहता है वहीं की फिल्म उसको
दिल में दिखती है और उसी का वर्णन करता है। तो ये जो इंद्रियों के स्पर्श है विषय, और कभी गर्मी होती है, कभी ठंडक होती है, कभी सुखदायी होते हैं, कभी दुखदायी होते हैं, आते हैं जाते हैं, फिर चल रही है, इसमें सच्चा कुछ नहीं। जैसे फिल्म स्टार लोग फिल्म बना के अलग हो जाते हैं, वैसा ये नहीं है। इसमें कोई फिल्म स्टार नहीं है जिसने बनाया हो, और बिना सितारों के ही ये फिल्म बनी है। ये जो फिल्म हमको दिखती है बाहर भीतर, ये बिना सितारों के बनी, आगमा पानी आती है जाती है आती है जाती है, अनित्या इनको देखते जाओ, सहते जाओ। जैसे गर्मी सहते हो, सर्दी सहते हो, जैसे वर्षा सहते हो, ऐसे ये सहने के लिए। एक महात्मा को बुखार आया था 105 दिन, तो बोलते थे कि अब नहीं सहा जाता, अब नहीं सहा जाता, ऐसे बोलते थे अब नहीं सहा जाता। इसी बीच में दूसरे महात्मा आ गए, बोले पहले सहे रहे हो और कह रहे हो नहीं सहा जाता, सहे तो रही हो, कितनी गर्मियां देखी, कितनी सर्दियां देखी, कितनी बरसात देखी, बाप दादा को मरते देखा, मित्र को, पत्नी को, पति को धोखा देखा, बेटे को बिगड़ते देखा, बाप को बिगड़ते देखा। एक महात्मा अनुप शहर में थे, हमारे बड़े धर्म धुरंधर महापुरुष ने पूछा, धर्म का नाश हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, भाई तमाशा ही देखते आए हैं और तमाशा ही देखते रहे। अरे राम राम राम, आप धर्म नाश का तमाशा देखते हैं और तो किसी के बचाए बचा कर रहे हैं। आज तक इतने अवतार हो गए, इतने सतपुरुष सिर पीट पीट के मर गए, अपनी वासना है कि ऐसा हो ऐसा ना हो, वासना के द्वारा नाचना पड़ता। फकीरी मामला दूसरा है, जब विनव्यतयन्ते ते पुरुषम पुरुषस्तव, ये जो शीत उष्ण सुख दुख वायु जो मात्रा स्पर्श है, ये जिसको देखा नहीं होता सकता। जब पुरुषम एते जब विनव्यतयन्ते ते पुरुषम पुरुषस्तव, समदुख सुखम धीरम नरक स्वर्ग स्वर्ग माना। अरे मन को पहुंचने दो ना, वो पेट जल रहा है तो क्या हुआ? यम इनम व्यथयन्ते ते पुरुषम, यम पुरुषम न समदुख सुखम धीरम सो मतलब पाए। देखो कालिदास ने कैसी बढ़िया बात कही, विकार हेतु सती विक्रियंते येषां न चेतांसि तयैव विराः। विकार के अनेक कारण उपस्थित हैं, आग लग रही है, वज्र गिर रहा है, महाप्रलय हो रहा है, क्या है? विकार के हेतु होने पर विकार हेतु सती विक्रियंते येषां न चेतांसि जेताम जेशाम चेतांसी न विक्रियंते, जिनके चित्त में विकार नहीं है। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशले नाम सद्वते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। न द्वेष्ट कुशलं कर्म, ये आचार तो ये पुरोहितों की बात नहीं है, पुरोहित को देखेगा हमारा यजमान कहीं दूसरे पुरोहित को मान रहा है तो डंडा लेके महाराज डंडा लोग जो है मारपीट हो जाती है हमारे यजमान। तो ये मौलवी और पादरियों की बात दूसरी है, उनका फंड ही दूसरा है।
एक पंख के आदमी को दूसरे पंख में शामिल कर लो और तुरंत गंगा हो जाए। विकार तो ही तो सभी विक्रियंते देशां प्रतिपान से तयेव धीरा उनको धीर कहते हैं। परिपश्यन्ति धीरा तदद्वयम् यद् भूतयोनिम् परिपश्यन्ति धीराः धियम् ईरयन्ति इति धीराः। जो बुद्धि को प्रेरणा देते हैं उनका नाम है धीर। धियम् रान्ति जो बुद्धि का दाना दान करते हैं अथवा मत्वर्थी रक्त से धी अस्तेशाम इति धीरा। मत्वर्थी धी शब्द से मत्वर्थी रक्त करते हुआ धीर शब्द बना। लो बाबा बुद्धि जिसकी बनी रहती है धी बनता धीरा धी बनता। जो बुद्धिमान पुरुष है महाराज वो विकार का ये तो प्रलय से आप विकार है। बाबा सुनते प्रलय से आप हंकार रही चला चल विचार रही थी विक्षोभम नहीं थी जस्ती अंतर सब महात्मे दिक्कत थे। महात्मा कौन है तो प्रलय की घोर गर्जना हो रही है और चराचर सृष्टि विचलित हो रही है लेकिन जहाँ महाराज विक्षोभम नहीं थी जस्ती अंतर जहाँ विक्षोभ का कोई नाम नहीं है। इसका मतलब स्वामी जी मिथ्यात्व का तो निश्चय होता ही है मिथ्यात्व निश्चय का भी मिथ्यात्व हो जाता है निश्चय का भी मिथ्यात्व हो जाता और फिर भी सच्चा नहीं होता। ये सृष्टि जो है मिथ्यात्व मिथ्यात्व भी न सत्यत्व प्रसंग अद्वैत सिद्धि ने जहाँ मिथ्यात्व भंग का प्रकरण है मिथ्यात्व भी यदि मिथ्या सिद्ध हो जाए सृष्टि तो मिथ्या है ही परंतु यदि मिथ्या भी मिथ्या हो जाए तब भी सृष्टि सच्ची नहीं हो सकती। जैसे ना समझ बच्चा जो है किसी को पकड़ ले छोड़ रही एक के घर में महाराज जी असरती आई क्या बोलना मोहर। अब वो महाराज बच्चा था घर में छोटा था उसने उसको मुट्ठी में पकड़ दिया। अब कितना भी छुड़ाओ वो छोड़ ही बिल्कुल मुट्ठी मार के बैठ गया। एक दिन दो दिन तीन दिन में खाए लगी है हाथ में मुट्ठी बिल्कुल मार के रह गया। अरे ये क्या हुआ है कुछ बात क्या है अब उदय नहीं होती वहां पर सज्जन बड़े बुद्धिमान थे उन्होंने लाके उससे भी बढ़िया गिरनी उसके सामने रखी झट उसने पहले वाली छोड़ के और दूसरे को पकड़ लिया। तो भाई ये सुनार है जरूर ये जाने का सुनार है ठीक है। तो महाराज मगर करूंगा एक को पकड़ते हैं फिर छोड़ते हैं दूसरे को पकड़ते हैं फिर छोड़ते हैं। ये सृष्टि में आज तक क्या ऐसा है ही नहीं कुछ को कौन सा धर्म रहा है सृष्टि में किस अवतार ने रक्षा की है इस सब अवतारों के होने के बाद हम लोगों की वर्तमान स्थिति है। सब आचार जो हो गए शंकर रामानुष्ठ गए और राम कृष्ण सब अवतार हो गए उस समय ये स्थिति है हम लोगों ये ना हुए होते तो क्या होता सोचकर कहाँ कहाँ धर्म की रक्षा हुई कहाँ भक्ति की रक्षा हुई कहाँ ज्ञान की रक्षा हुई इतिहास की सोचने में पढ़ते हैं लोग अपना अपना सुविधा बनाए थे अपना अपना काम निकाल दुनिया में तो कुछ हेर फेर होते ही तो जब हेर फेर होते ही नहीं ना तो उसके लिए मत्था पच्ची क्यों कर धीर 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 धीर
ekam brahmatramadaya nanyam ganayatak vachit aste nadira virasya panga sangar kesh andar karman se ek brahmatra le le apne aap brahmatra se bada koi nanyam ganayatak vachit dusre ko kuch mat kar aste nadira virasya panga sangar kesh वीर वीर पुरुष जो है उसकी संगर तेजी में कहीं भंग ही नहीं है। दीधना बाधनाया तदा प्रज्ञा प्रयत्त लखम चिंतामणि पाणव क्षेत्र तुम भगवदन छपत। ये विचित्र चिंतामणि अपने हाथ में आ गया है, देखो मत यही है ब्रह्मास्त्र। एक ब्रह्मास्त्र अपने हाथ में रखो और दूसरे किसी अस्त्र की जरूरत ही नहीं। नास्ति अन्यत् ब्रह्म एवम्। दूसरा कुछ सही है